नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हो अंश ब्लॉग्स। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एसी की बेसिक सर्विस का, कि कैसे आप अपने आप ही घर पर अपने एसी की बेसिक सर्विस कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं और साथ ही कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, उसको फॉलो करके आप अपने एसी की परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं और उसकी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वो तो थी बेसिक सर्विस। अब अगर आपके एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एसी की गैस कम है या फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है आपसे, आपको जो है उसकी कूलिंग में फ़र्क लग रहा है, तो उसके बाद आती है डीप सर्विसिंग। कैसे करते हैं डीप सर्विसिंग, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसी की डीप सर्विस कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसी की डीप सर्विस करने के लिए इसको उतारा जाता है, जो इसकी अंदर वाली यूनिट है इसको निकाला जाता है, बाहर निकाल के इसको अच्छी तरीके से धोया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी जो गैस होती है, क्योंकि आउटर यूनिट से इंटरनल यूनिट तक गैस अभी इसमें है, सबसे पहले इसकी गैस को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। सो दैट उसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन आके इसको स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद बाहर से बंद करके, बाहर वाली जो यूनिट होती है उसमें बंद करके इसकी सारी गैस को कंप्रेसर में वापस करके वहाँ पर लॉक कर दिया जाएगा। और उसके बाद बंद करके एसी को इसके जो पाइप हैं वो पीछे से खोले जाएंगे और तब इसको यूनिट को बाहर निकाला जाएगा। इसको निकालने के बाद फिर इसको पूरा डीअसेंबल करके इसकी जो पूरी यूनिट होगी उसकी सफाई की जाएगी। कैसे होती है, जेट से आप देख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर वीडियो में हो रही है, इस तरीके से इसकी सफाई होगी पूरी अच्छी तरीके से। इसको जेट से साफ़ किया जाएगा ताकि सारी गंदगी निकल जाए। इसको हमने जो ऊपर की साइड आप देख रहे हैं वहाँ पर सारा इलेक्ट्रिक पार्ट है, वहाँ पर पानी नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत जाएगा भी तो वो उसको पहुँच के और बाद में एयर से साफ़ करके तभी इंस्टॉल किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए पूरे एसी की सफाई होगी अच्छी तरीके से, डीप क्लीनिंग होगी। ये जो जैसे इसमें अभी साफ करा है पानी से, और बिजली का अगर इसमें जैसे ये इलेक्ट्रिक पार्ट है इसके, ये ख़राब नहीं होंगे इससे है ना? सीधा हैं, थोड़ी लगाया पानी। अच्छा, उधर गया नहीं है, संभाल के करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे कि इसकी पूरी अच्छी तरीके से अब क्लीनिंग हो गई है। और अगर रही बात इलेक्ट्रिक पार्ट की, तो उसको उस तक पानी गया ही नहीं है, और जो भी पानी अगर हल्का फुल्का भी गया होगा तो उसको अच्छी तरीके से ये कपड़े से पूछ के ड्रायर से सुखा के फाइनली लगाया जाएगा। और एसी की पूरी क्लीनिंग के लिए भी हमारी ये वॉश की मशीन काम आ गई, तो इसका पूरा पैसा वसूल हो रहा है। अब फाइनली इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है, इसको कहते हैं इसकी डीप क्लीनिंग, डीप सर्विसेज। काफी सारे दोस्त कह रहे थे कि अंदर की यूनिट मैंने ब्लू स्टार की दिखाई थी, बाहर की लॉयड की, तो बाहर की इसकी थी, ये लॉयड का दूसरा एसी है, इसकी यूनिट मैंने दिखाई थी साफ करके। फिल्टर हमने पहले ही साफ कर लिए थे अच्छे तरीके से प्रेशर से मार के, और अब ये फाइनली हो गया।
डन। जो भी कम थी गैस इसमें अब टॉप अप हो गई है, अभी चालू हो गया। अब इसमें टॉप अप हो रही है गैस। कितने पॉइंट आएगी? 60। हो गया। ये ब्लू स्टार भी चल रहा है अभी, बढ़िया कूलिंग है। थोड़ी सी क्लीनिंग रह रही है, इसकी क्लीनिंग अभी मैं करूंगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से मेरे लॉयड के इस एसी की डीप सर्विसिंग हुई है। ब्लू स्टार का जो मेरा एसी है वो ऑलरेडी क्लीन था इनर यूनिट उसकी, तो उसमें मुझे डीप क्लीनिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उस पर ऐसे ही कपड़ा मार के काम चल गया। इस तरीके की डीप सर्विसिंग अगर आप कराते हैं तो ये किसी प्रोफेशनल द्वारा ही की जाती है, मैंने भी प्रोफेशनल को बुला के ही कराया। तो इसके लिए जो मैंने चार्ज दिए हैं वो दिए हैं 1200 रुपये। 1200 रुपये में मैंने इसको कंप्लीट उतरवा के साफ़ करवाया है। इसमें एक ऑप्शन और भी है, जैसा कि बहुत से लोग देखते हैं काफ़ी सारे साइट्स पे कि एक कवर लगा के साफ़ करते हैं आजकल, उसके लिए वो 800 रुपये चार्ज कर रहा था। बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे पूरा उतरवा के ही साफ़ कराना है, तो मैंने पूरा उतरवा के ही साफ़ कराया और मैंने 1200 रुपये इसके पे किए हैं। तो आप भी इसके आसपास ही अगर आप करवा रहे हैं तो आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि इसके आसपास ही आप करा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसको साफ़ कराने में उसने मेरा ही बॉश का जो मैंने कार वॉशर लिया था, जिसका अगर आप चाहो वीडियो देखना है तो ऊपर आई लिंक पे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ, वो बहुत काम आया उसको। तो आप अगर आपके पास है ऐसा कार वॉशर तो आप खुद ही आउटर यूनिट तो उससे साफ़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है। तो वो भी एक बहुत अच्छा मेरा काम आ रहा है इन सब चीज़ों में भी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं जानकारी वाले वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।